तो हेलो एवरीवन, अभी रात का टाइम है और यहाँ भैंसें अभी हमारी बंधी हुई है। तो अभी रात का टाइम है तो पापा जी हमारे यहाँ लेटे हुए हैं और भैंस की रखवाई कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अंदर नहीं बांधी आज, बाहर ही मतलब के बांधी हैं। तो पापा जी आज नहीं सोएंगे, नहीं पे सोओगे पापा? अंधेरा हो रहा है यहाँ पर तो इसलिए वीडियो साफ नहीं आ रहा। ये मेरी दीदी बैठी हुई है। तो आज हमारे पापा ना एक आप सबको किस्सा सुनाएंगे, तो आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को किस्सा कैसा लगा कमेंट में। तो आज एक तो गाइस अभी आप सबको बताएंगे, तो आप लोग सुनना। राम नाम लिया नहीं किया नरते हेत, वो नर जो ही जाएंगे मूरी का साखे। इसका अर्थार्थ बताओ। अर्थ ये है जो राम का नाम नहीं लेते हैं वो लोग राम की भक्ति में नहीं रहते हैं, अपनी आत्माओं को साफ नहीं रखते हैं, गंदी रखते हैं, तो वो लोग मूरी जैसे खेतन बोते हैं और मूरी शायद पूरा मूरा फर जाता है। ऐसे ही आदमी का जीवन भी चला जाता है जो भगवान की भक्ति में नहीं होते हैं, उनको मूरी के ही तरह उखड़ जाता है। फिर वो ऊपर चले जाते हैं। इनका कहने का ये है, इसका अर्थ ये है। वो आपने सुन नहीं लिया और बता भी दिया इसका अर्थ क्या है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर, और मेरे भैया ना दीदी को मार रहे हैं, तो दोनों बच्चे भैया को मार रहे हैं, क्यों उनकी मासी को मार रहे हैं उनके मामा, तो इसलिए उनको पीट रहे हैं। तो ये यहाँ मस्ती कर रहे हैं, तो मैंने छोटी सी यहाँ क्लिप ले ली थी भैया को। देखो भैया दीदी को ऐसे पकड़ रहे हैं तो बच्चे मार रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मामा मार रहे हैं मौसी को। तो विराज को देखो कैसे धादू कर रहा है, माधव और विराज दोनों। अभी मेरे सिर में हो रहा है बहुत दर्द, तो अभी मैं जा रही हूँ मौसी के घर। उनकी बेटी ना बहुत अच्छी मालिश करती है, मैं वहीं जा रही हूँ। तो मैं दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं किस वजह से यहाँ। तो अभी मैं उनके घर जा रही हूँ, ठीक हो गया कि नहीं होगा कि नहीं। मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा मालिश वगैरह हो जाएगी ना तो उससे आराम कर जाएगा। तो मम्मी तो अभी काम कर रही हैं, तो इस वजह से मैं वहीं जा रही हूँ और मासी की बेटी से ही मालिश करवाऊँगी सिर की। तो अभी चलते हैं, तो अभी मैं चलती हूँ मासी के घर। नहीं, घर के पीछे ही उनका मकान है और ये इधर बकरी। मम्मी आ रही हूँ मैं, जा विराज सुजल जा बेटा। तो अभी मैं मासी घर जा रही हूँ और मालिश करवाऊंगी, थोड़ा सिर में ना आराम से पड़ जाएगा उससे। और घर पे सब सो रहे थे, भाभी वगैरह सब सो रही हैं, तो सोचा चलो वो मालिश भी बहुत अच्छा करती है ना। और एकदम मैं जा रही थी ना तो बंदर दिख गया मुझे सामने, तो मैं वापस आ गई। अब बंदर थोड़ा, हाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पर, फैक्ट्री वगैरह है ना यहाँ पे, तो बंदर भी बहुत सारे हैं। तो मुझे पता नहीं था, मैं वीडियो बना रही थी और देखो दो बंदर सामने दिख गया, मैं भाग गई वहाँ से। तो बंदर अभी चला गया है, बंदर है उधर मौसी की छत पे बैठे हैं। बंदर गया, अब मैं भी चलती हूँ। अभी फोन को ना कहीं ऐसा ना हो फोन को छीन ले मेरे से। बंदर है लग गया। तो गाइस अभी चलते हैं मौसी के घर, और यहाँ आ गए मौसी के घर। तो गाइस अब मैं मौसी के घर आ गई, और मेरी सिस्टर वो सोने लग रही है।
तो ये मेरी बहन सो रही है, फर्राटे भर रही है, तो है का इस वजह से अभी इसे जगा रही हूँ। जग जा जग जा, मेरे सिर में मालिश कर दे, तो कह रही है रुक जाओ अभी। इसे उठाने की कोशिश कर रही, तो ये देखो इसे कितना आलस छा रहा है ना। सुबह से सोई पड़ी है, ससुराल में सो ना पावे दी का, पूरे दिन काम में लगी रहे है, काम करवा ससुराल वाले ज़्यादा। चला जा बाहर, चल रहे तो घुमा कर लाऊँ, बंदर घूम रहे हैं बहुत सारे। चल आ जा, अंधेरा है वैसे भी यहाँ। तो गाइस ये देखो शाम का टाइम है, 7 बजे का होगा शायद, टाइम नहीं पता मुझे अच्छे से। तो देखो यहाँ पे ये कितने, हमारे इन्हें हेलीकॉप्टर बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट में मुझे बताना। और बारिश हो गई थी हल्की सी, तो उसी से ना ये यहाँ पर देखो कितने सारे निकल आए हैं कीड़े, और इनसे पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर यहाँ बच्चे हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बोल रहे थे इनसे। और ये चमकते हैं रात को, चमकने वाला जो कीड़ा होता है ना वही वाला है ये भी। और ये यहाँ बच्चे खेल रहे हैं इधर, और मम्मी बैठी हुई हैं इधर, पापा जी भैया बैठे हुए हैं। तो देखो कितने सारे थे, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे पिछले साल टिड्डी आई थी ना, टिड्डी की तरह। तो अभी हम आ गए छत पर, तो यहाँ मेरी दीदी वीडियो बना रही हैं और बच्चे भी यहाँ मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ भी थोड़ी क्लिप ले ली, और बच्चों की मस्ती और दीदी की मस्ती मैं आप सबको दिखाती हूँ अभी। और मुझे ना मालिश करवा कर भी बहुत आराम सा मिल गया था, मैं आके सो गई थी फिर थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो दीदी कैसे बच्चों के साथ खेल रही हैं, और आंखों पे पट्टी बांध के, मतलब दुपट्टा बांध के, और अपने बच्चों को पहचान रही हैं कि मेरे बच्चे कौन से हैं। उनका थोड़ा वीडियो बनाती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दीदी अपने बच्चों को पहचान रही हैं कि मेरे बच्चे कौन से हैं। तो ये यहाँ पर दीदी के बच्चे हैं, भतीजी है, कुहू है, और माधव है, विराज है, सभी हैं, सभी बच्चे हैं। और ये दीदी की बेटी है, बड़ी बेटी, जो वीडियो बना रही है। तो ये यहाँ पे यही वाला इनका गेम चल रहा है, तो सोचा चलो मैं भी थोड़ी सी इनकी क्लिप ले लेती हूँ और थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि हम सभी आ गए हैं ना यहाँ पर मायके में, मैं, मेरी दीदी, मेरी तीनों चारों भतीजी, वो भी अपने ससुराल से आ गई हैं। तो अच्छा लगता है सबके साथ, और मस्ती होती रहती है पूरे दिन। तो यहाँ वही गेम चल रहा है इनका। तो जैसे यहाँ पर बना रहे थे ना वो पहचान रही थी, तो मैं भी जाके खड़ी होगी दीदी के पास, मैंने कहा देखो मुझे पहचान पाएंगी कि नहीं दीदी। पर दीदी ने अभी मुझे नहीं पकड़ा, और अभी माही को पकड़ा हुआ है, और अब देखना मुझे भी पकड़ लेंगी तो मुझे पहचान जाएंगी वो, क्योंकि पूरे घर में एक मैं ही हूँ जो ऊपर क्लेचर लगाती हूँ सिर में। और तो दीदी ने मुझे हाल पहचान लिया कि तो तेजल है। और देखो दीदी ने मेरी क्लेचर से ही मुझे पहचान लिया। तो वहाँ दीदी बच्चों के साथ खेल रही है, और मैंने उसकी क्लिप ले ली, तो मैं उसके साथ खड़ी हो गई। और तो वो मेरे से बोल रही है कि मेरी बहन है मेरे से बड़ी है, पर मैं छोटी हूँ वो बड़ी है। तो ये हम बनाने लगे वीडियो अपने बच्चों की। हाँ पानी अभी नीचे भेज रही हूँ, रुक जा अभी एक मिनट रुक। वो अनन्या बाबू ने बोतल पानी ले लियो, देखो वाली बोतल दे, वो रखिए बोतल। तो हम सब यहाँ छत पर ही हैं, और वो भाई की बेटी है, वो फ़ोन में वो भी लगी हुई है, और दो नीचे हैं। हम सब आए हैं सावन के महीने में रहने के लिए, पापा लेकर आए थे सभी को, और सभी यहाँ आए हैं। सिर्फ एक भतीजी नहीं आ पाई क्योंकि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई है, वरना हम सब आ गए हैं। तो अभी हम आए हैं पाँच लोग, मतलब पाँच जने आए हैं, दो मैं, मेरी सिस्टर और तीन हमारी भतीजियाँ जिनकी शादी हुई थी, दो अभी जो इनकी शादी हुई थी वो भी, और अभी हम पाँच आए हैं, और एक नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। और यहाँ देखो कितनी मस्ती हो रही है, सभी खेल रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं नीचे आ गई हूँ, क्योंकि छत पे हो रहा था बहुत अंधेरा, और भाभी बना रही हैं खाना, खाने की कर रही हैं तैयारी, अभी लगा रही हूँ आटा।
तो अभी मैं आ गई नीचे, बच्चे अंदर देख रहे हैं टीवी। ऊपर नहीं, अभी बाहर देख के आ रही हूँ क्या होगा। तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा अभी, चलो अंदर चलो। टीवी अंदर देख लो, अंदर जी जी देख रही है ना। इच्छा, अनन्या, तो अभी बच्चे देख रहे हैं टीवी, इसको छोड़ के आती हूँ।